हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान के बीच में लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के अंदर 4 मार्च को शाम के 7:30 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर। अगर मैं आपसे बात करता हूं पिच रिपोर्ट के बारे में, तो वैसे तो ये मैदान काफी अच्छा होता है बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन हमने पिछले मुकाबले में देखा था कि यहाँ पे तेज गेंदबाजों को थोड़ा हेल्प मिलेगा, तो बल्लेबाजों को स्टार्टिंग के जो ओवर्स है ना संभाल के खेलने पड़ेंगे, उसके बाद वो रन मार सकते हैं इस ट्रैक के ऊपर। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं लाहौर कलंदर्स के बारे में। इस टीम ने अपने 6 में से 5 मुकाबले जीते हैं और ये टीम टॉप ऑफ द टेबल चल रही है। पिछले मुकाबले में टीम की बल्लेबाजी उतना कुछ खास कर नहीं पाई, लेकिन फिर एक बार प्रूफ हो गया कि जिस टीम की गेंदबाजी अच्छी है ना वही टीम बॉस बनती है T20 फॉर्मेट के अंदर। शाहीन अफरीदी, हारिस रॉफ, राशिद खान, डेविड वीसा, सिकंदर रजा, मतलब इससे अच्छी गेंदबाजी आपको टूर्नामेंट में नहीं मिलने वाली। आपके पास स्पिनिंग ऑप्शन है, आपके पास तेज गेंदबाजी के ऑप्शन है, उसके अंदर भी लेफ्ट आर्म पेस है, राइट आर्म पेस है, मीडियम आपके पास पेस है, लेग स्पिन बॉलिंग है, मिस्ट्री बॉलिंग है, आपके पास सारी वैरायटी है लाहौर की गेंदबाजी के अंदर। और ये इस टीम को स्पेशल बनाती है। फिर एक बार इनकी गेंदबाजी के ऊपर सभी की निगाह होने वाली है। सिकंदर रजा ने जो बल्लेबाजी करी पिछले मुकाबले में, भाई देखकर मजा आ गया। अगर रजा इसी तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे तो इस टीम के लिए काफी कमाल की बात होगी। फिर सैम बिलिंग्स का ऑप्शन है बल्लेबाजी में, फखर जमान है, अब्दुल्ला शफीक है, हुसैन तलत है, तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी है, गेंदबाजी भी काफी अच्छी है। ये टीम बहुत ही शानदार कर रही है। फिर एक बार अपने होम ग्राउंड के ऊपर मुकाबला टीम जीतना चाहेगी। अब मैं आपसे बात करता हूं मुल्तान सुल्तान्स के बारे में। तो मुल्तान को काफी दिनों का गैप मिल गया, उसके बाद ये टीम वापसी करेगी। मुल्तान ने भी अपने 6 में से 4 मुकाबले जीते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है मुल्तान के लिए। इस टीम में भी काफी अच्छा क्रिकेट खेला। बल्लेबाजी के अंदर मोहम्मद रिजवान बहुत ही कमाल के फॉर्म में, कप्तान है उनके, सेंचुरी मार चुके हैं। फिर एक बार मोहम्मद रिजवान के कंधों के ऊपर टीम की जिम्मेदारी होगी। टीम के लिए शान मसूद ने भी काफी अच्छी ओपन करी है, वो भी हाफ सेंचुरी मार चुके हैं इस टीम के लिए। मसूद और रिजवान की जो ओपनिंग है वो इस टीम के लिए काफी अच्छी बात रहती है। फिर मिडिल ऑर्डर में आगे राइली रूसो का ऑप्शन है, पोलार्ड पिछले मुकाबला नहीं खेले पर उनका फॉर्म भी काफी शानदार है, डेविड मिलर भी इस टीम के अंदर है, तो मिडिल ऑर्डर के अंदर कुछ ऐसे बल्लेबाज जो कि अकेले दम पे मुकाबले पलट पाएंगे, तो ये काफी शानदार बात लगती है मेरे को मुल्तान की टीम की। पहले टीम भी गेंदबाजी उतनी स्ट्रांग थी नहीं, पर इसनुल्ला ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। अकील हुसैन का ऑप्शन है, कार्लोस ब्रैथवेट का ऑप्शन है, तो गेंदबाजी के अंदर भी इस टीम ने काफी अच्छा काम किया। इस वजह से मेरे को लगता है कि मुल्तान की टीम ना इस मुकाबले में काफी अच्छा कर सकती है। ये मुकाबला काफी बराबरी का होगा, पर अगर मुझे किसी टीम को पिक करना है तो मैं पिक करूंगा इस मुकाबले के अंदर लाहौर कलंदर्स को। मुझे लगता है इस मुकाबले में लाहौर की टीम को जीत मिलेगी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लगी तो लग कीजिएगा सब्सक्राइब चैनल को इस तरह वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।